सभी जानते हैं बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय यानी कि रणबीर कपूर और बॉलीवुड के डिंपल गर्ल यानी कि दीपिका पादुकोण का प्यार एक टाइम पर खूब चर्चा में था। यहां तक कि खबरें ये भी थी कि ये दोनों जल्दी शादी कर लेंगे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए। लेकिन इन दोनों के अलग होने की पूरी स्टोरी क्या थी ये शायद ही किसी को मालूम होगा, और आज हम आपको इन दोनों के ब्रेकअप की पूरी स्टोरी बताने वाले हैं। और दोनों के लव स्टोरी के बारे में खुद दीपिका पादुकोण ने खुद ही खुलासा किया था। जी हां, आपको बता दें रणबीर और दीपिका को मेकअप आर्टिस्ट भरत और डेरिस ने मिलवाया था। इस बात का खुलासा दीपिका ने खुद किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि डेरिस ने उनसे एक दिन कहा कि रणबीर एक अच्छा लड़का है और तुम्हें उससे मिलना चाहिए। हम दोनों को मिलवाने के पीछे डेरिस का बहुत बड़ा हाथ रहा। दीपिका ने बताया कि डेरिस ने एक दिन रणबीर को अचानक से बुला लिया और हमें एक दूसरे से बात करने के लिए कह दिया। वहीं बात करते करते हमने नंबर एक्सचेंज किया और उसके बाद 2007 में लंच पर गए और हमने पूरा दिन साथ बिताया। बस यहीं से हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर हमने 23 फरवरी 2008 में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। और इसके आगे जैसा कि आप सभी जानते हैं, दीपिका रणबीर के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उन्होंने अपनी गर्दन पर रणबीर के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। अब आगे हम आपको बताएंगे इन दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ। जी हां, आपको बता दें दीपिका के अनुसार इन दोनों का ब्रेकअप धोखे के कारण हुआ था। दीपिका ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए फिजिकल संबंध सिर्फ दो शरीर का मिलन नहीं है, इसके साथ फीलिंग्स भी जुड़ी होती हैं। जब मैं रिलेशनशिप में थी मैंने कभी धोखा नहीं दिया। दीपिका ने आगे कहा कि मैं पागल थी जो रणबीर को दूसरा मौका दिया। मैंने वो इसलिए किया क्योंकि वो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। मेरे साथ वाले लोगों ने मुझे कहा था कि वो बहक गया है। मैं चाहती थी कि मैं उस पर भरोसा करूं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। उन सब से बाहर निकलने में मुझे काफी समय लगा, लेकिन बाद में मैं कभी मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से सुगंधानंद की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।